दिल्ली में इस वक्त ना सिर्फ मौसम बल्कि जो राजनीतिक पारा है वो भी शबाब पर है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली में जो राजनीति चल रही है। दरअसल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका हो इसको लेकर सियासत जारी है और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया था कि दिल्ली में जो बाबू हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग तमाम जो चीज़ें हैं उसका अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होगा। लेकिन हुआ क्या, 19 मई को केंद्र सरकार की तरफ से एक अध्यादेश आया और साफ तौर पर ये तमाम जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के अंडर कर दिए गए और LG के जरिए यानी कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो LG को दे दिया गया। अब आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि 8 साल की जो दिल्ली सरकार की लड़ाई थी उसको पलट दिया गया और कहा कि BJP या केंद्र सरकार जो है ना संविधान को मानती है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानती है और ये अन्याय हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। और इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में अरविंद केजरीवाल तभी से जुट गए। इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले। इसके बाद पश्चिम बंगाल गए और वहाँ ममता दीदी से सपोर्ट करने के लिए कहा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुँचे मुंबई, महाराष्ट्र गए तो वहाँ पर NCP प्रमुख शरद पवार से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले और ये सिलसिला चलता गया। उसके बाद दिल्ली वापस लौटे और एक दिन बाद ही KCR से मिलने तेलंगाना गए, वहाँ पर भी उनसे समर्थन मांगा। अब इस अगली कड़ी में जो है CPM नेता सीताराम येचुरी से अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से भी मिलने का समय मांगा है और कहा है कि मिलें, और क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आम आदमी पार्टी या दिल्ली की सरकार का नहीं है, गैर भाजपाई शासित जो भी राज्य हैं उनके अंदर जिन भी पार्टियों की सरकार होगी वहाँ पर अगर वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार कोई भी ऐसा फैसला ले जो उनके उलट है तो उसमें उनको एकजुटता दिखानी चाहिए। हालांकि अभी कांग्रेस बात को लेकर समंजस में है, वो अपनी जो स्टेट यूनिट्स हैं मसलन बात करें दिल्ली या पंजाब उनसे इस बारे में विचार विमर्श कर रही है कि क्या इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी दो फ्रंट पर इस पर लड़ रही है। एक तो दिल्ली सरकार इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करने वाली है क्योंकि फैसला वहीं से आया था उसको पलटा गया है, ऐसा आम आदमी पार्टी कहना है। दूसरा तैयारी ये है कि अगर किसी तरीके से वहाँ बात नहीं बनती है या ये जो अध्यादेश है बिल की शक्ल में जब संसद में जाएगा तो लोकसभा में तो यहाँ पर अगर देखें तो BJP का पलड़ा भारी है लेकिन राज्यसभा में बात बन सकती है अगर पूरा विपक्ष आम आदमी पार्टी का साथ दे दे। और इसी कवायद में अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं और अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। इन तमाम नेताओं से मिले, अब आगे जो कोशिश है वो है CPM के नेता सीताराम येचुरी से मिलने की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विपक्ष को एकजुट करने की बात जो है वो लगातार की जा रही है और इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। तमाम विपक्षी नेता जो कि गैर भाजपा राज्य हैं उनकी सरकारें हैं या संगठन हैं बड़े उन सब से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ दीजिए क्योंकि यह मसला सिर्फ उनकी पार्टी का नहीं, उनकी सरकार का नहीं, उनके राज्य का नहीं है, यह मसला तमाम उन संगठनों का है, उन राज्यों का है जहाँ पर BJP से अलग पार्टियों की सरकार है। उनका कहना है कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है। दूसरी बात, जो लोकसभा चुनाव है 2024 का उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 10 से 11 महीने ही आप मान लीजिए कि मई का महीना है, अगले मई उससे पहले जो है चुनाव होने हैं। तो ऐसे में 2024 की एक तस्वीर जो है वो भी खींचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इसी की कवायद में अरविंद केजरीवाल अलग अलग दलों के विपक्षी जो दल हैं उनके नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप इस मामले की निंदा तो करें ही करें लेकिन जब मामला राज्यसभा में सामने आएगा पटल पर रखा जाएगा तो आम आदमी पार्टी के साथ जो है इसमें दे। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो खुद के सांसद हैं राज्यसभा में सिर्फ 10 हैं लेकिन तमाम संगठनों को एकजुट कर कोशिश की जा रही है कि अगर बिल वहाँ पर आता है तो उसको रोका जा सके। इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। अब इसमें कितने कामयाब होते हैं और आगे क्या कुछ होता है अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं जानने में तो हमारे TV9 डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है उससे लगातार जुड़े रहें। आप तक ये खबर मैं पहुंचा रहा था जीत भाटी और मेरे कैमरे के पीछे मेरे वीडियो सहयोगी वीरेंद्र मौर्य। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जानकारी अच्छी लगी है दूसरे के साथ भी साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।